आप सभी लोगों को ऐसे पांडे का नमस्कार बच्चों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे चर्चा किया था कि अगर डिजिट्स आपको दी गई हैं और उसमें आपको चीज़ों को ये क्लियर करना है कि उसका लास्ट टू डिजिट क्या है या लास्ट थ्री डिजिट क्या है या लास्ट फोर डिजिट क्या है तो ऐसे प्रश्नों को आपने सॉल्व किया था अब बात ये होती है कि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम को डिविजिबिलिटी के साथ जोड़ देते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का जो डिविजिबिलिटी के साथ लिंक है वो कैसा लिंक है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं कैसे चीज़ें आगे बनेंगी मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे इस वाले पार्ट में सिखाने का कोशिश करूँगा डिविजिबिलिटी पार्ट वन में इसको आप समझिएगा पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए ये लिख रहा हूँ सपोज करिए सपोज़ करिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन एंड सो ऑन, एंड सो ऑन अप टू फोर्टी वन डिजिट्स अप टू फोर्टी वन डिजिट्स डिवाइडेड बाय फोर अप टू फोर्टी वन डिजिट्स डिवाइडेड बाय फोर और आपसे कहता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है या जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या आएगा वट विल बी रिमाइंडर अंडर दिस कंडीशन या यहाँ पर जो सेसफल आने वाला है वो सेसफल क्या आएगा आपको ये बताना है अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ वेन एवर बी डिस्कस अबाउट द of ऑफ फोर देन यू शुड नो वन थिंग कभी भी अगर आप चार की विभाजिता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक बात जाननी होगी मैं छोटा सा कुछ पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर में लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर चार से डिविजिबल है तो जो नंबर होता है वो चार से डिविजिबल होता है जैसे मान लीजिए मैंने लिखा थ्री टू फोर फाइव वन टू मैंने ऐसे लिख दिया और मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर चार से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो आप सिंपली एक बात समझिएगा ये क्या है आपका ट्वेल्व बारह अच्छा बताइए ना इसके लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर आपका कितना है ट्वेल्व और अगर ये ट्वेल्व डिविजिबल है फोर से तो ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा किससे फोर से सपोज़ करिए मैंने एक नंबर और लिखा थ्री फोर थ्री मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर चार से डिविजिबल होगा कि नहीं तो आप बोलेंगे कि सिंपली हमें क्या देखना होगा लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर आपका क्या है फोर्टी थ्री अब आप फोर्टी थ्री को फोर से डिवाइड करें अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लीजिए थ्री फोर्टी थ्री चार से डिवाइड होगा अदरवाइज डिविजिबिलिटी नहीं होगी तो 43 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 43 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 10 जहाँ कितना हो रहा है 40 आप इसमें से माइनस कर दीजिए कितना बन गया तीन तो ये तीन आपका क्या बना रिमाइंडर बना या सेसफल बना आप एक बार इस पूरे नंबर को चार से डिवाइड करके देख लो मेरे पास में क्या है थ्री फोर थ्री इसको मैंने चार से डिवाइड किया चार अठे कितना हो रहा है आपका बत्तीस दो चौंतीस हुआ तेईस हो गया चार पंजे कितना हो गया आपका बीस तेईस में से मैंने बीस को माइनस किया कितना बच गया आपका तीन इसका मतलब जो बेसिक रिमाइंडर यहाँ बच रहा है वही रिमाइंडर आपका यहाँ पर बच रहा है तो चार की डिविजिबिलिटी अगर कभी भी आपको समझनी है तो सिर्फ आप एक बात को दिमाग में रखेंगे और वो क्या कि आपको सिर्फ लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर कैलकुलेट करना है कि आखिरी के दोनों स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी आप याद करिए रिमाइंडर थ्योरम का जो छठवा पार्ट था और सिक्स पार्ट में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कि कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो आ गया है और आपको लास्ट टू डिजिट निकालना है या लास्ट थ्री डिजिट निकालना है या लास्ट फोर डिजिट निकालना है तो जो नंबर बनेगा लास्ट टू डिजिट से लास्ट थ्री डिजिट या लास्ट फोर डिजिट से वो क्या होगा इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी तो चलिए एक बार इसके लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर निकालते हैं कई बार बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर फोर्टी वन तो लिखा हुआ है फोर्टी वन को फोर से डिवाइड कर दीजिए वन रिमाइंडर आ जाएगा ये बिल्कुल गलत बात होती है फोर्टी वन को फोर से नहीं डिवाइड करना है ये कंप्लीट नंबर है आपको ये पता करना है कि इस नंबर में आखिरी के दोनों स्थानों से जो बनी हुई संख्या होगी वो क्या होगी तो आप पिछले वाले पार्ट में अगर रिमाइंडर थ्योरम का छठवा पार्ट अच्छे से समझे हुए हैं तो इसे समझने में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाला है मैं इस वाले पार्ट को दोबारा एक बार डील करके दिखाता हूँ आप उसे रिवाइज करिएगा अच्छा बताइए ना एक से लेकर के नौ तक कितने नंबर्स हैं आप बोलेंगे एक से लेकर के नौ तक नौ नंबर हैं और हर एक नंबर में कितना डिजिट है तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में एक डिजिट है तो आप बताइए ना तो टोटल कितने डिजिट हो गए तो आप बोलेंगे टोटल नाइन डिजिट हो गए या टोटल नौ अंक हो गए अब इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद में जो रिमेनिंग बच रहा है वो कितना बचेगा रिमेनिंग डिजिट्स कितने होंगे तो आप बोलेंगे कि जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं फोर्टी वन टोटल डिजिट थे इसमें से नौ डिजिट यूज हो चुका है तो कितना बच रहा है ग्यारह में से नौ माइनस करेंगे कितना होगा दो और यहाँ पर कितना बचा आपका थ्री थर्टी टू डिजिट्स थर्टी टू डिजिट्स या बत्तीस अंक आपके बच गए अच्छा बच्चों आप बताओ ना ये जो आपके बत्तीस डिजिट बच रहे हैं ये सारे के सारे नंबर अब जो बनेंगे वो कितने डिजिट के होंगे तो आप बोलेंगे दो दो डिजिट के देखिए दस में कितना डिजिट आ रहा है दो डिजिट ग्यारह में कितना डिजिट आ रहा है दो डिजिट बारह में कितना डिजिट आ रहा है दो डिजिट एंड सो सोवन तो जब आपसे कहा जाएगा कि ये थर्टी टू डिजिट्स हैं आपके पास और दो दो डिजिट का एक नंबर बनेगा इसका मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे तो आप बोलेंगे टोटल सोलह नंबर बनेंगे अब जब मैं आपसे बोलूँगा कि टोटल नंबरों की संख्या क्या होगी टोटल नंबर्स कितने बनेंगे तो आप बोलेंगे कि पहले कितने नंबर यूज़ किए गए हैं नौ और बाद में कितने नंबर यूज़ किए गए हैं सोलह तो सोलह और नौ को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा पच्चीस इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हो गया कि इसका जो आखिरी नंबर आपका बन रहा होगा दो अंकों का दैट विल बी ट्वेंटी फाइव या पच्चीस इसका मतलब ये वाली संख्या अगर मैं बोलूं कि कैसे लिखी गई होगी तो आप बोलेंगे ये वाली संख्या लिखी गई होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो वन लास्ट में जो लिखा गया होगा वो क्या लिखा गया होगा पच्चीस अच्छा बच्चों अगर मैं पूछूं कि इससे पहले क्या लिखा गया होगा तो आप बोलेंगे इससे पहले लिखा गया होगा चौबीस इससे पहले क्या लिखा गया होगा तो आप बोलेंगे ट्वेंटी थ्री या तेईस अब आप सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि आपको किससे डिवाइड करना है इस कंप्लीट नंबर को आपको डिवाइड करना है फोर से चार से तो चार से डिवाइड करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि आखिरी के दोनों स्थानों से जो बनी हुई संख्या है उसी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे चार से तो चार से कितना हो रहा है आपका चौबीस 25 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा एक तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेसिकली जो आपका रिमाइंडर बन रहा है या बेसिकली जो आपका शेषफल बन रहा है वो शेषफल क्या होगा तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका बचेगा दैट विल बी वन देखिए संजोक से जब आप फोर्टी को फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो 41 को भी 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है एक बच रहा है भाई 41 को 4 से डिवाइड करेंगे चार दहा में कितना हो रहा है 40 एक लेकिन ये गलत हो रहा है 41 डिजिट्स हैं इसमें टोटल 41 अंक हैं ना कि आपको 41 को चार से क्या करना है डिवाइड करना जोड़ दिया किसके साथ में डिविजिबिलिटी के साथ में या विभाजिता के साथ में तो चार की डिविजिबिलिटी के लिए आपको किसकी जरूरत है तो आप बोलेंगे चार की डिविजिबिलिटी के लिए मेरे को लास्ट के दो अंकों से बनी हुई संख्या की जरूरत है अगर मुझे किसी तरीके से आखिरी के दो स्थानों से बनी हुई संख्या मिल जाए तो हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू सेवेंटी नाइन डिजिट्स अप टू सेवेंटी नाइन डिजिट्स और आपसे कहा जाता है कि डिवाइडेड बाई एट इसको आठ से भाग दीजिए और आठ से भाग दे करके ये कैलकुलेट करिए कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा फाइंड आउट रिमाइंडर इज इक्वल टू हाउ मच या इसका जो सेसफल बनेगा वो सेसफल क्या होगा तो बच्चों अगर आप यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हैं या शेषफल निकालना चाहते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या तो आप बोलेंगे आठ की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूँ और आप इस बात को साइड में नोट करते चलेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आठ की डिविजिबिलिटी क्या होती है तो आप सिंपली चाहिए कि, कि किसी भी नंबर में लास्ट के थ्री डिजिट से जो बना हुआ नंबर होता है किसी भी नंबर में आखिरी के तीन अंकों से जो बनी हुई संख्या होती है अगर वो आठ से डिविजिबल है तो नंबर आठ से डिविजिबल होगा अदरवाइज वो नंबर आठ से डिविजिबल नहीं होगा तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ हेट क्या होता है अगर किसी भी संख्या में आखिरी के तीन स्थानों से बनी हुई संख्या आठ से डिविजिबल है तो नंबर आठ से डिविजिबल होगा अदरवाइज डिविजिबिलिटी नहीं होगी तो अब सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रश्न में आपको क्या करने की आवश्यकता है तो आप बोलेंगे इस प्रश्न में मुझे सिंपली एक काम करना है कि आखिरी के तीन अंकों से जो बनी हुई संख्या है वो क्या होगी ये बताना है हमने इस वाले पार्ट को आपको डिटेल में समझाया हुआ है रिमाइंडर के छठवें पार्ट में लेकिन अब आपको ज़रूरत भी है कि आप इस पार्ट को थोड़ा सा और समझें डिविजिबिलिटी के साथ जोड़ करके तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आखिरी तीन स्थानों से बनी हुई संख्या को निकालूँ ठीक है चलिए फिर वही वाला काम शुरू करते हैं एक बार अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक से लेकर के नौ तक कितने नंबर्स होंगे तो आप बोलेंगे एक से लेकर के नौ तक नौ नंबर होंगे और हर एक नंबर में कितना डिजिट आएगा एक डिजिट तो जब मैं बोलूंगा कि टोटल डिजिट्स आपके कितने हो जाएंगे तो आप बोलेंगे टोटल आपके नाइन डिजिट्स हो जाएंगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें रिमेनिंग कितना डिजिट बच रहा है शेष कितने डिजिट बच रहे हैं तो आप बोलेंगे सेवेंटी नाइन डिजिट में से नाइन डिजिट यूज़ हो चुका है तो कितने डिजिट बच रहे हैं भाई तो आप बोलेंगे कि सत्तर डिजिट बच रहे हैं और ये जो सत्तर डिजिट बच रहे हैं इसमें हर एक नंबर कितने डिजिट का होगा तो आप बोलेंगे कि टू डिजिट का ईच नंबर होगा टू डिजिट का ईच नंबर होगा दो अंकों की प्रत्येक संख्या होगी तो यहाँ पर नंबर कितने बन रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर थर्टी फाइव नंबर बन रहे होंगे पैंतीस नंबर बन रहे होंगे तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि दिस मस्ट एम्प्लाई टोटल नंबर आपके कितने बन रहे हैं यहाँ पर जब मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल नंबर आपके कितने बन रहे हैं तो आप बोलेंगे कि पहले कितने नंबर थे भाई नौ नंबर बाद में कितने नंबर और हुए पैंतीस नंबर पैंतीस और नौ को अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा फोर्टी फोर नंबर्स या जो आपको संख्याएं मिल रही हैं वो टोटल चवालीस संख्याएं मिल रही हैं तो सिंपल सी एक बात अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी आखिरी जो संख्या बन रही होगी वो आखिरी संख्या क्या होगी तो आप बोलेंगे इसकी आखिरी संख्या होगी चवालीस तो जो बेसिकली आपका नंबर बन रहा है वो नंबर कैसा बन रहा है तो आप बोलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो वन इसके लास्ट की संख्या आपकी कितनी बन रही है चवालीस अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि चवालीस से पहले क्या आ रहा होगा तो आप बोलेंगे फोर्टी फोर से पहले जो आ रहा होगा वो फोर्टी थ्री आ रहा होगा फिर फोर्टी टू आ रहा होगा एंड सो वन बताओ बच्चों इसको डिवाइड किससे करना है तो आप बोलेंगे इसे आठ से डिवाइड करना है अब आपको मैंने बताया कि आठ की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए तो आप बोलेंगे आठ की डिविजिबिलिटी के लिए मेरे को आखिरी के तीन स्थानों से बनी हुई संख्या पता होनी चाहिए तो आखिरी के तीन स्थानों से बनी हुई संख्या आपकी कितनी है तीन सौ चवालीस इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे से एट से तो आठ चौक को कितना हो रहा है आपका बत्तीस थर्टी टू रिमाइंडर कितना बच रहा है दो कितना हुआ चौबीस आठ त्रिक कितना हुआ आपका चौबीस घटा दीजिए रिमाइंडर कितना आ गया जीरो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि ये जो नंबर है यह नंबर आपका एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाएगा या पूर्णतया विभक्त होगा किससे तो आप बोलेंगे दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एट या ये संख्या आठ से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी आठ से डिविजिबल यह नंबर क्यों हो जाएगा तो आप सिंपली समझिएगा कि चूंकि इस नंबर में आखिरी के तीन स्थानों से जो बनी हुई संख्या है वो आठ से डिविजिबल है इसलिए ये जो कंप्लीट नंबर आपका बनेगा दिस कंप्लीट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एट बोलो बात समझ में आई है सबको एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए इस क्वेश्चन को आप समझिएगा लेटर सपोज मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो वन एंड सो वन अप टू हंड्रेड डिजिट्स अप टू हंड्रेड डिजिट्स और आपसे कहता है कि इसे आप डिवाइड करिए किससे सोलह से इसे आप 16 से डिवाइड करिए और 16 से डिवाइड करके ये कैलकुलेट करिए कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है या जो शेषफल बच रहा है वो क्या होगा तो सिंपल से बच्चों एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वेन एवर वी वॉन्ट टू तो डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्सटीन जब कभी भी हम लोग सोलह के डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो सोलह के डिविजिबिलिटी क्या होती है आप सीधा सा एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट के फोर डिजिट से बना हुआ नंबर अगर किसी भी नंबर में लास्ट के फोर डिजिट से बना हुआ नंबर सोलह से डिविजिबल है तो वह नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल होगा किस से सिक्सटीन से तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करना है लास्ट के चार डिजिट से बना हुआ नंबर आपको कैलकुलेट करना है अगर आप किसी तरीके से आखिरी के चार स्थानों से बनी हुई संख्या कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो ये प्रश्न करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि लास्ट के फोर डिजिट से बना हुआ नंबर हम लोग कैलकुलेट करें फिर मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा बताइए एक से लेकर के नौ तक एक से लेकर के नौ तक कितने नंबर बनेंगे तो आप बोलेंगे नौ नंबर बनेंगे और हर एक नंबर में कितना डिजिट होगा तो आप बोलेंगे हर एक नंबर में एक डिजिट होगा नौ नंबर हैं हर एक नंबर में एक डिजिट है तो जो टोटल डिजिट्स की संख्या आएगी या कुल अंकों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी नौ दिस मस्ट एम्प्लाई मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि सौ डिजिट में से आपने नौ यूज कर लिया है तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने आएंगे तो आप बोलेंगे कि सौ डिजिट में से नौ डिजिट यूज़ हो चुका है तो जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो कितने हैं तो आप बोलेंगे जो बचे हुए डिजिट्स होंगे वो नाइन्टी वन होंगे इक्यानवे डिजिट आपके बचे हुए हैं या नाइन्टी वन डिजिट्स बचे हुए हैं अच्छा आप बताइए मुझे एक सिंपल सी बात ये जो नाइन्टी वन डिजिट्स बचे हुए हैं इसमें सारा का सारा नंबर कितने डिजिट का होगा तो आप बोलेंगे टू डिजिट ईच नंबर होगा या दो अंकों की प्रत्येक संख्या होगी अब सोचिए इक्यानबे डिजिट यूज़ किया गया है और हर डिजिट में हर नंबर में दो दो डिजिट हैं तो कितना नंबर बनने वाला है 91 को 2 से आप डिवाइड करेंगे देखो तो 45 तो आपको नंबर मिलेगा 45 संख्या मिलेगी क्यों बच्चों 45 संख्या मिलेगी भाई नाइन्टी डिजिट को अगर मैं यूज़ करूंगा तो दो दो अंकों की मुझे कितनी संख्या मिलेगी पैंतालीस संख्या मिलेगी इसके बाद में एक चीज़ और भी बच जाएगा आपका प्लस एक डिजिट एक्स्ट्रा आएगा एक डिजिट आपका एक्स्ट्रा आ रहा होगा या एक अंक आपका अतिरिक्त आएगा दिस मस्ट इंप्लाई अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर्स आपके कितने बनेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे तो आप बताएंगे कि पहले नंबर आपके कितने थे तो आप बोलेंगे नौ नंबर बाद में कितने नंबर और हुए पैंतालीस और उसके बाद में और क्या आ गया तो आप बोलेंगे उसके बाद एक डिजिट और आ गया पैंतालीस और नौ को जोड़िए तो कितना हुआ आपका चौवन नंबर फिफ्टी फोर नंबर और उसके बाद में और क्या हुआ तो आप बोलेंगे उसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गया सिंपल सी बात में अगर आपसे बोलूँ कि ये जो सौ डिजिट का नंबर है इसका लास्ट वाला नंबर कितना होगा तो आप मुझसे कहेंगे कि इसका जो लास्ट वाला नंबर होगा वो कितना होगा चौवन चौवन से पहले क्या होगा तो आप बोलेंगे तिरपन फिफ्टी थ्री ये एंड सो वन ऐसे चलता जाएगा अच्छा बोलो क्या यहीं पर आपका कारोबार रुक जाएगा नहीं एक डिजिट आपको और लेके जाना है तो चौवन के बाद की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी पचपन आएगी चौवन के बाद की जो संख्या आएगी बच्चों वो क्या आएगी पचपन लेकिन इस पचपन का आपको मात्र कितना डिजिट चाहिए एक ही डिजिट चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया फाइव लिख दिया अब आप बताइए ना आपको क्या चाहिए तो आप बोलेंगे अब हमें जो नीड है वो डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्सटीन की नीड है और सोलह की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमें आवश्यक है वो क्या है तो आप बोलेंगे आखिरी के चार स्थानों से बनी हुई संख्या तो आखिरी के चार स्थानों से बनी हुई संख्या कितनी है थ्री फाइव फोर फाइव तो मैंने ऐसे लिख दिया थ्री फाइव फोर फाइव और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे बच्चों सोलह से डिवाइड कर दिया तो सोलह दुनाई आपका कितना हो रहा है बोलो बत्तीस मैंने पैंतीस में से बत्तीस को घटाया कितना हुआ तीन चौंतीस हुआ फिर सोलह दुनाई आपका कितना हो रहा है बत्तीस यहाँ पर दो रिमाइंडर बचा पच्चीस हो गया सोलह एकनम सोलह लिखा मैंने सिक्सटीन वन जिक्सटीन लिख दिया और जब मैंने 25 में से 16 को घटाया तो जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है या जो आपको सेस मिल रहा है वो सेस कितना होगा तो आप बोलेंगे रिमाइंडर बिल बी इक्वल टू नाइन या यहाँ पर जो आपका सेस बचेगा वो नौ बचेगा तो इस प्रश्न का अगर मैं आपसे जवाब पूछूँ कि इस क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर क्या होगा तो आप बोलेंगे रिमाइंडर अंडर दिस कंडीशन बिल बी इक्वल टू हाउ मच नाइन ठीक है एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ इसे आप ट्राई करिएगा लेटर सपोज क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड सो वन एंड सो वन वन एट्टी थ्री डिजिट्स वन एटी थ्री डिजिट्स और डिवाइडेड बाई एट वन एट्टी थ्री डिजिट्स डिवाइडेड बाई एट और मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट रिमाइंडर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैलकुलेट रिमाइंडर या यहाँ पर जो आपका शेषफल आने वाला है वो शेषफल क्या होगा आप इसे निकालिए ठीक है तो आप सिंपली एक बात बोलेंगे कि इसके आखिरी के तीन अंकों से बनी हुई संख्या हमें चाहिए आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि लास्ट के तीन डिजिट से बना हुआ नंबर वन एट्टी थ्री है बिल्कुल नहीं ये एक नंबर लिखा गया है बच्चों इसमें वन एट्टी थ्री डिजिट्स का यूज़ किया गया है या एक सौ तिरासी अंकों का प्रयोग किया गया है तो आप सेम प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि लास्ट थ्री डिजिट से बना हुआ नंबर कैसे निकालेंगे और उसे एट से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है वो आप ये समझ लीजिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है तो आप सिंपली एक बात समझिएगा कि अगर किसी भी नंबर में

तो आप बोलेंगे कि चार की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट से जो बना हुआ नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए किससे चार से तो अगर किसी भी संख्या में आखिरी के दो स्थानों से बनी हुई संख्या चार से एग्जैक्ट कट जा रही है तो नंबर चार से क्या होगा डिवाइड होगा एक और बात मैंने आपसे करी आठ के डिविजिबिलिटी के लिए तो बच्चों आठ के डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है तो आप बोलेंगे कि अगर लास्ट के थ्री डिजिट से बना हुआ नंबर अगर आखिरी के तीन अंकों से बनी हुई संख्या आठ से डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किसे आठ से और अगर मैं आपसे पूछूं सिक्सटीन की डिविजिबिलिटी तो आप बोलेंगे सिक्सटीन की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट फोर डिजिट से बना हुआ नंबर लास्ट के फोर डिजिट से बना हुआ नंबर अगर सिक्सटीन से डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे से सिक्सटीन से तो जो मैंने आपको डिजिट्स निकालना सिखाया था कि डिजिट्स दिया गया है आपको नंबर बताना है कि नंबर क्या होगा या 183 डिजिट्स दिया गया और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इसमें लास्ट डिजिट क्या होगा या डिजिट्स की संख्या कैलकुलेट करने पर आपसे बात करी थी वो सारी बातें मैंने आपको बताया था उससे मैंने डिविजिबिलिटी के तीन चार पार्ट को जोड़ा जिसमें दो के बारे में चर्चा किया चार के बारे में आठ के बारे में और सोलह के बारे में रिसेंट पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप इसे बढ़िया से सॉल्व करिए ट्राई करिए कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें बताते रहिए चलिए इसके बाद में हम छोटी सी अपनी बात को और आगे लेकर के चलते हैं आपको कुछ बातें और समझाना चाहते हैं कि इसके आगे जो आपका सिचुएशन बन रहा है वो क्या होगा तो सपोज़ करिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ हमने आपको दो की डिविजिबिलिटी बताई चार की बताई आठ की बताई और सोलह की बताई अब बच्चों आप ऐसे समझ लो कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ मैं लेटर सपोज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री कुछ बातें आपको बताता हूँ आप भी साथ साथ समझते चलिएगा अगर मैं आपसे पूछूं डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री तीन की विभाजिता तो आप सिंपली एक बात समझिएगा कि सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स सुड सुड बी डिविजिबल बाई थ्री किसी भी संख्या में अगर अंकों का योगफल तीन से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा तीन से डिविजिबल हो जाएगा या तीन से कट जाएगा जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सा कुछ एग्ज़ाम्पल साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ सपोज़ करिए मैंने लिखा 123 मैं आपसे पूछूं तीन से डिविजिबल है कि नहीं तो आप बोलेंगे सिंपली एक काम करेंगे इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो इसके डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है छे और अगर इसके डिजिट्स का सम छह आ रहा है तो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे से तीन से क्यों अंकों का जो योगफल है वो तीन से डिविजिबल है इसलिए ये जो नंबर बनेगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा थ्री से डिविजिबल हो जाएगा या तीन से डिविजिबल हो जाएगा और अगर तीन से डिविजिबल नहीं होगा तो आप सिंपली समझिएगा कि अगर अंकों का जोड़ जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने लिखा टू फोर्टी टू और मैं आपसे कहता हूँ कि काम करो इसको तीन से डिवाइड करो और तीन से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या होगा तो यहाँ पर कितना हुआ दो सौ चालीस हमने घटा दिया तो रिमाइंडर कितना आया आपका दो शेषफल कितना बच रहा है आपका दो हमने आपसे सिंपली एक बात कहा था कि एक काम करना ये जो नंबर लिखा गया है ना इस नंबर के एक काम करना इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ देना हमने आपसे कहा था इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ देना तो जब आप इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा टू प्लस फोर प्लस टू चार दो छः और दो कितना हुआ आठ और इसे आप तीन से डिवाइड कर दो तो तीन से डिवाइड करोगे थ्री टू जा कितना हुआ सिक्स घटा दीजिए रिमाइंडर कितना आ गया दो आया इसका मतलब आप सिंपल सा एक बात ये समझ लो कि अगर किसी नंबर को तीन से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको निकालना हो तो आप कुछ ना करें सिंपली उस नंबर के डिजिट्स को जोड़ लीजिए और उस नंबर के अंकों को जोड़ करके आप तीन से डिवाइड करिए जो सेस फल मिल रहा होगा या जो रिमाइंडर मिल रहा होगा वही आपका फाइनली क्या बनेगा आंसर बनेगा या जवाब बनेगा तो तीन की डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया सेम अगर आपसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन तो बिल्कुल ये तीन जैसा होता है अगर किसी भी नंबर में अंकों का जोड़ तीन से डिविजिबल है तो वो जो नंबर बनता है वो किससे डिविजिबल होता है तीन से इसके बाद में देखो धीरे धीरे मैं आपको चीज़ों को जोड़ता हुआ लेकर के चलूँगा इसके बाद में जो डिविजिबिलिटी हम थोड़ा सा सीखेंगे जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स क्या होगा छः की डिविजिबिलिटी बच्चों आपको कुछ नहीं करना है इस सिक्स को आप दो प्राइम नंबर के को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दो तो हमने को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ा ये क्या हुआ टू इंटू थ्री इसका सीधा मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई नंबर दो से भी डिविजिबल है और तीन से भी डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किस से छः से इफ़ एनी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू एज वेल एज थ्री देन दैट नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई सिक्स आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को चलिए लेटर सपोज़ आपसे कोई पूछता है ये बताओ कि कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जो ट्वेल्व से डिविजिबल होंगे तो आप इसे दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दो ये कितना हुआ आपका तीन गुणा चार भाई तीन और चार का जो एच सी एफ आता है वो कितना आता है एक मैंने सिखाया भी आपको को प्राइम नंबर आप सीरीज को बढ़िया से देखते चलिएगा इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर कोई नंबर तीन से भी डिविजिबल है और चार से भी डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे ट्वेल्व से हो जाएगा मान लीजिए सपोज करिए आपके सामने लिखा गया है सेवनटी टू बेहतर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो सेवेंटी टू से डिविजिबल होंगे तो आप बताएंगे कि सेवेंटी टू कैन बी रिटर्न एज एट इंटू नाइन आठ गुणा नौ लिखा जा सकता है तो अगर कोई नंबर आठ से भी डिविजिबल है और कोई नंबर नौ से भी डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा आपका किससे से टू से सपोज़ करो बच्चों आपसे पूछा जाए कि वो कौन से नंबर्स होंगे जो फोर्टी फोर से डिविजिबल होंगे तो आप बताइए 44 को ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दीजिए जो को प्राइम नंबर का सेट बना रहे होंगे तो आप बताएंगे ये क्या होगा आपका अलेवन इंटू फोर होगा ग्यारह गुणा चार इसका मतलब अगर आप दो चीज़ों की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि अलेवन की और एक फोर की तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर्स होंगे जो फोर्टी फोर से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल होंगे मतलब सीधा ये हुआ कि अगर कोई नंबर अलेवन से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि वो कौन से नंबर होते हैं जो अलेवन से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं तो अलेवन से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो जो नंबर बनेगा वो फोर्टी फोर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि वो कौन से नंबर हैं जो एटी एट से डिविजिबल होंगे अभी इन पर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आपसे आप पूछे जा रहे हैं तो 88 को क्या लिखा जा सकता है 88 कैन बी रिटर्नाइज एलेवन इंटू एट ग्यारह गुणा आठ सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर अलेवन से भी डिविज़बल है और कोई नंबर एट से भी डिविज़बल है तो वो जो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला है वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे तो आप बोलेंगे दैट नंबर विल बी एग्जैक्ट डिविजल बाई एटी एट या वो नंबर अट्ठासी से एग्जैक्ट कर जाएगा मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वो कौन से नंबर्स हैं जो सतर से डिविज़बल होंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए इसे क्या लिखा जा सकता है अलेवन इंटू सेवन इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर कोई संख्या ग्यारह से भी कट जाए और वो संख्या सेवन से भी डिविजिबल हो तो वो जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किसे सात से या वो जो संख्या है वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी किससे सेवन से तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आप किस किस की डिविजिबिलिटी नहीं जानते हैं तो आप बोलेंगे कि मैं दो चीज़ों की डिविजिबिलिटी नहीं जानता हूँ एक अलेवन की भी डिविजिबिलिटी नहीं जानता हूँ और सेवन की भी डिविजिबिलिटी नहीं जानता हूँ तो सेवन की डिविजिबिलिटी को आगे हम लोग यूज़ करके समझाएँगे मैं आपको इस पार्ट में थोड़ा सा अलेवन की डिविजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि ग्यारह की डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या होती है देखो बच्चों ग्यारह की डिविजिबिलिटी में सिर्फ आपको एक चीज याद रखना होगा कि सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस ग्यारह की डिविजिबिलिटी में एक पॉइंट हमें यह दिमाग में रखना होगा सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस या इवन प्लेस एट ऑड प्लेस माइनस डिफरेंस है बेसिकली ये सम ऑफ डिजिट्स माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एट इवन प्लेस क्या होना चाहिए आइदर जीरो आइदर जीरो होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ एलेवन होना चाहिए यह या तो जीरो होना चाहिए और या तो मल्टीपल ऑफ एलेवन होना चाहिए अगर ये जीरो है या ग्यारह का मल्टीपल है तो आप समझ लीजिएगा कि जो नंबर बन रहा होगा वो नंबर आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा या पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा होगा किससे एलेवन से एक छोटा सा प्रश्न लेकर के मैं आपसे डिस्कस करा देता हूँ आप इसे समझिएगा जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे लिख दिया जाए लेटर सपोज आपसे कहा जाए कि कैपिटल एन एक ऐसा नंबर है ना जो 99 डिजिट का नंबर है कैपिटल एन एक 99 डिजिट का नंबर है निन्यानवे अंकों की संख्या है और वो कैसी संख्या है इसके इस छोर पर भी दो है और इस छोर पर भी दो है और इसके बीच में जो डिजिट्स आ रहे हैं ना इसके बीच में जो डिजिट्स आ रहे हैं है, वो टोटल 97 डिजिट्स आ रहे हैं इसके बीच में टोटल संतान अंक आ रहे हैं या 97 सेवन डिजिट्स आ रहे हैं और आपसे यह पूछा जाता है कि अगर यह नंबर एग्जैक्ट 11 से डिवाइड हो इफ एन इज एन इज एग्जैक्टली डिविजबल बाई 11, अगर यह एन 11 से पूरी तरीके से कट जाए तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो बीच में डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी ऑफ एलेवन समझाना चाहता हूँ ऑप्शन ए दिया गया आपको चार ऑप्शन बी दे दिया गया तीन ऑप्शन सी आपको दे दिया गया पाँच और ऑप्शन डी दे दिया गया आपको छः और आपसे पूछा जाता है बताओ कि जो बीच में आपका अंक आएगा या जो बीच में आपका डिजिट आएगा वो डिजिट क्या आएगा ठीक है चलो समझते हैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अगर आपको ये समझना है ना तो एक मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन रूल या इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणितीय आगमन विधि मैथमेटिकल इंडक्शन रूल क्या कहता है अगर कोई सिस्टम ऑफ वेरिएबल वेरिएबल के एक मान के लिए सत्य हो दो मान के लिए सत्य हो तीन मान के लिए सत्य हो तो मान लिया जाता है कि वेरिएबल के चार वैल्यू के लिए वो सही है और अगर उसके अगले वाले के लिए भी वो सही हो जाए तो उसे यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में हम लोग स्वीकृति दे देते हैं तो हम एक काम करते हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करके देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या है मान लीजिए वो एन आपका तीन अंकों का संख्या होता सॉरी तो ये नंबर आपका क्या बन रहा होता तो आप बोलते अगर ये तीन डिजिट का नंबर होता तो ये नंबर बन रहा होता तो तो। एक काम करिए नंबरिंग कर, कर लीजिए अगर मैं नंबरिंग चाहे आप इधर से करें चाहे इधर से करें एक लिख दिया मैंने एक नंबर लिखा दो नंबर लिखा तीन नंबर लिखा अभी डिविजिबिलिटी क्या कहती है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस ऑर्डर प्लेस पर क्या आया? दो आया और फिर ऑर्डर प्लेस पर क्या आया? दो आया माइनस इवन प्लेस पर क्या है चार जीरो हो गया और अगर दोनों का डिफरेंस जीरो है तो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे? 11 ग्यारह से, से। चलिए मान लेते हैं कि वो जो नंबर है उसमें चार डिजिट हैं और बीच में दो बार चार आ रहा है टू फोर फोर और टू नंबरिंग करता हूँ एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर आप एक काम करिए ऑर्ड प्लेस पर देखिए क्या क्या आ रहा है एक तो दो आ रहा है फिर क्या आ रहा है आपका चार आ रहा है माइनस इवन प्लेस पर क्या आ रहा है एक चार आ रहा है और अगला आपका क्या आ रहा है दो चार और दो छः छः माइनस छः कितना हुआ जीरो डिविजिबल है बिल्कुल डिविजिबल है सपोज़ करिए मैंने बीच में तीन बार चार रख तीन बार मैंने चार रख दिया नंबर आपका ऐसा बना टू फोर 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 एंड टू और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये नंबर आपका एलेवन से डिविजिबल होगा कि नहीं तो आप नंबरिंग कर दीजिए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और पाँच नंबर ऑट प्लेस पर क्या है आपका दो आया फिर चार आया और फिर दो आया माइनस इवन प्लेस पर आपका क्या आया फोर प्लस फोर देखो ना एक तो इवन प्लेस आपका क्या बन रहा है दो दो पे चार आ रहा है फिर इवन प्लेस चार है चार पे चार आ रहा है तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो आठ माइनस आठ बराबर कितना हो गया जीरो यह नंबर भी आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो गया किस किससे अलेवन से डिवाइड हो गया अच्छा अब आप बताओ अगर मैंने बीच में एक बार चार रखा तो यह अलेवन से डिविजिबल है बीच में मैंने दो बार चार रखा तब भी अलेवन से डिविजिबल है बीच में मैंने तीन बार चार रखा तब भी अलेवन से डिविजिबल है इसका मतलब वेरिएबल के एक मान के लिए सत्य है दो मान के लिए सत्य है तीन मान के लिए सत्य है एक काम करते हैं ना ये मान लेते हैं कि अगर बीच में चार बार चार आए तो भी यह डिविजल होता है और अगर मैंने बीच में पाँच बार रेंडम चार रख दिया और फिर ये अलेवन से डिविजल हो जाए तो इसे हम लोग बोल देंगे कि ये अगर बीच में नाइन्टी सेवन टाइम्स फोर आएगा तो भी ये हंड्रेड एंड टेन परसेंट डिवाइड होगा किसे अलेवन से चलिए रख करके देखते मैंने टू रखा बीच में मैंने फ़ोर रखना शुरू किया एक बार दो बार तीन बार चार बार पाँच बार और फिर मैंने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया दो प्लेस कर दिया नंबरिंग करिए थोड़ा सा देखिए नंबरिंग में क्या क्या नंबर आ रहा है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर और सात नंबर अगर मैं ऑर्डर प्लेस की बात करूँ देखो दो आया फिर चार आया फिर चार आया और फिर दो आया तो चार और दो कितना हुआ छः छः चार दस दस और दो कितना हो गया बारह बारह माइनस चार प्लस चार प्लस चार कितना हुआ बारह बारह माइनस बारह बराबर कितना आया ज़ीरो तो अगर इवन प्लेस पर स्थित डिजिट्स का सम और ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट्स के सम का डिफरेंस जीरो या एलेवन के टेबल का नंबर हो तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है किससे ग्यारह से और ये चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बीच में कितनी बार चार आना चाहिए तो आप बोलेंगे कि बीच में अगर नाइन्टी टाइम्स चार आए या कितनी बार भी चार आ जाए अगर ये इधर दो मोर्चा और इधर दो मोर्चा संभाला हुआ है तो नंबर जो बनेगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा आपका किससे अलेवन से डिवाइड हो जाएगा या ग्यारह से विभक्त हो जाएगा तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों डिविजिबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यों इस वाले पार्ट में हमने बेसिक बेसिक बातें करी कि डिविजिबिलिटी क्या होता है कैसे कैसे चीजों को लगाया जाता है तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी को समझेंगे कि आज के डेट में जो पेपर में रिसेंट टाइम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए बेसिकली क्या आइडिया यूज़ करना चाहिए क्या क्या बातें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी उन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे 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 अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट